आज का हमारा जो डिवीजन है वो ब्रायोफाइटा है। ब्रायोफाइटा में कौन आएंगे? ब्रायोफाइट्स आएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो। देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं। ब्रायोफाइट्स किसको बोलते हैं? ये आप इमेज देख पा रहे हैं ब्रायोफाइट्स की। डिफरेंट टाइप के ब्रायोफाइट्स हैं, वो पाए जाते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बिकॉज दे कैन लिव इन सॉइल बट नीड वॉटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बच्चों, जो एल्गी थे कंप्लीटली वॉटर में रहते थे, मतलब एक्वेटिक हैबिटेट उनका था, और कुछ हैं वो मॉइस्ट प्लेसेस पर आ गए थे, परंतु पानी की उनको बहुत ज्यादा जरूरत थी। अभी उनमें से एक कैटेगरी बन गई है, कुछ एडवांस करेक्टर डेवलप कर लिए हैं और वो पानी से निकल करके और जमीन पर आ गए हैं, जमीन पर रहना शुरू कर दिया है, परंतु अभी भी उनको वापस पानी में जाना पड़ता है। किसके लिए? रिप्रोडक्शन के लिए। बिना पानी के ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसलिए इनको क्या कह रहे हैं? एम्फीबियन प्लांट्स। जिस तरीके से एनिमल किंगडम में एम्फीबियंस होते हैं, मेंढक होता है या इस तरीके के और एनिमल्स हैं जो जमीन पर रहते हैं, परंतु उनको पानी की बार बार जरूरत होती है, उनको पानी में वापस जाना पड़ता है। तो एम्फी का मतलब होता है बोथ, और बियंस मीन्स लाइफ, जो दोनों जगह पर अपनी लाइफ सरवाइव करते हैं, अपना जीवन जीते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस। और चूंकि एम्फीबियंस हैं, वो प्लांट कैटेगरी में आते हैं, प्लांट किंगडम में आते हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। दे अकर इन डैम्प ह्यूमिड एंड सेडेड लोकेलिटीज। जो डैम्प प्लेसेज होते हैं, दलदल वाले स्थान होते हैं, ह्यूमिड एरियाज होते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा मॉइस्चर पाया जाता है, और नमी वाली जगह पर, साथ में छायादार जगह पर ये पाए जाते हैं, तो इनका हैबिटेट है वो याद रखना है आपको, डैम्प प्लेसेज, ह्यूमिड प्लेसेज एंड सेडेड प्लेसेज। तो आप ये इनको आप देख पा रहे हैं, ये उसी तरीके की लोकेशंस में ये मिलते हैं। इनकी बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो जो थैलोफाइट्स थे, एल्गी थे, उनमें बॉडी अनडिफरेंशिएट थी, ना तो ट्रू रूट थी, ना ट्रू स्टेम था, ना ट्रू लीव्स थी। यहाँ पर इनकी बॉडी है वो फिर से क्या है? थैलोफाइटिक है, परंतु एडवांस करेक्टर है, डिफरेंशिएशन होना शुरू हो गया है। देखते हैं, पहले ये डायग्राम की चर्चा कर लेते हैं। राइजोइड्स, मेन एक्सिस, लीव्स, सीटा, कैप्सूल। तो बच्चों, यहां पर रूट नहीं लिखा है। इसमें राइजोइड का मतलब रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, मेन एक्सिस, इसके बाद में सीटा और कैप्सूल। ये फ्लावर नहीं है, कैप्सूल ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स है। तो बॉडी है वो एल्गी से एडवांस है, परंतु अभी भी कंप्लीट डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है रूट, स्टेम या लीव्स में। इनकी बॉडी को दो पार्ट में कैटेगराइज कर रहे हैं हम, गेमिटोफाइट और स्पोरोफाइट। गेमिटोफाइट है जो गेमिट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, स्पोरोफाइट है वो स्पोरोफाइटिक प्लांट को जर्मिनेट करता है, स्पोरोफाइटिक प्लांट को पैदा करता है। तो बॉडी स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम ब्रायोफाइट्स में। बॉडी इज मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी, उनसे ज्यादा डिफरेंशिएटेड है, स्पेशलाइजेशन हो गया है। इट इज थैलस लाइक एंड प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट। थैलस लाइक है मतलब अभी भी अनडिफरेंशिएटेड बॉडी है, और प्रोस्ट्रेट है, सीधी भी हो सकती है, इरेक्ट है, एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाई यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर राइजोइड्स। जो जमीन से उसका जुड़ाव है वो किसके द्वारा है? राइजोइड के द्वारा। दे लैक ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स। इनमें ट्रू रूट है, ट्रू स्टेम है, ट्रू लीव्स हैं वो नहीं पाई जाती, क्योंकि ये तो ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स हैं वो तो डिफरेंशिएटेड पार्ट है। यहां पर अभी डिफरेंशिएशन होना शुरू हो गया है, पर कंप्लीट नहीं है। दे में पजेज रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, उनके जैसे हैं परंतु ट्रू नहीं है। द मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लोइड,
जो मेन प्लांट बॉडी है हैप्लोइड होती है, हैप्लोइड का मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, इट प्रोड्यूसेस गैमीट्स, हेंस इज कॉल्ड ए गैमेटोफाइट। ये हैप्लोइड बॉडी है और वो क्या प्रोड्यूस कर रही है, गैमेट प्रोड्यूस कर रही है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, गैमेटोफाइट बोल रहे हैं। ब्रायोफाइट्स हैं, उनको कौन कौन सी कैटेगरीज में बांटा गया है, कौन कौन से इनके एग्जांपल से ये आप यहां पर देखिए, ये स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, ये आर्किगोनिया एंड एंथ्रीडिया मार्केंसिया दिया है, ये जो डायग्राम है वो मार्केंसिया यहां पर आप देख पा रहे हैं। मार्केंसिया में आर्किगोनिया देखिए, ये आर्किगोनिया अलग छतरी जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है, आर्किगोनियम, आर्किगोनिया का मतलब होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एंथ्रीडियम का मतलब होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्किगोनियम और एंथ्रीडियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो इनकी थैलस बॉडी पर ये स्ट्रक्चर पाई जाती है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मिलते हैं आर्किगोनियम एंड एंथ्रीडियम। आप यहां देख पाएंगे फीमेल गैमेटोफाइट जहां पर एग आप देख रहे हैं, मेल गैमेटोफाइट वहां पर मेल गैमेट्स है वो आप देख पा रहे हैं। इसके बाद में इन दोनों स्ट्रक्चर्स को देखिए, ब्रायोफाइट ए लिवर फर्ट, मार्केंसिया यहां पर एक्चुअल इमेज है और ये आपकी बुक में से लिया गया है। फीमेल थैलस, मेल थैलस, मेल और फीमेल थैलस हैं वो अलग होते हैं, इसमें राइजोइड जो सबस्ट्रेटम के साथ में अटैच होते हैं और ये थैलोइड बाकी बॉडी है जो फोटोसिंथेसिस का काम करती है। इसी थैलस पर आर्किगोनेटोफोर लगे हुए, आर्किगोनेटोफोर का मतलब है जो ये फीमेल पार्ट है उसको थैलस के साथ में अटैच करता है, तो वो स्ट्रक्चर आर्किगोनेटोफोर, और ये जो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम कह रहे हैं आर्किगोनियम, जो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगी। इसी तरीके से मेल थैलस है वो राइजोइड, और इस पर एंथ्रीडियोफोर जो एंथ्रीडियम को बियर करता है वो एंथ्रीडियम फोर कहलाता है, और ये एंथ्रीडियम यहाँ आप देख पा रहे। इसके साथ में ही आप यहाँ देखिए गैमा कप है, गैमा कप दोनों में ही है, गैमा कप ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बड फॉर्मेशन हो रहे हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनमें होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। यहाँ पर देखिए ब्रायोफाइट के बारे में क्या बताया गया, द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टी सेलुलर, यहाँ आप देख पा रहे हैं मल्टी सेलुलर है। मेल सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रीडियम प्रोड्यूसेस बाइफ्लेजिलेटिव एंथेरोजॉइड, जो एंथ्रीडियम है मेल पार्ट है वो बाइफ्लेजिलेट मतलब दो फ्लेजिलम वाले एंथेरोजॉइड है वो प्रोड्यूस करते हैं मेल गैमेट। फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम इज फ्लास्क शेप्ड एंड प्रोड्यूसेस ए सिंगल एग, ये फ्लास्क शेप है और इसमें एक सिंगल एग बनता है। एंथेरोजॉइड्स आर रिलीज टू वॉटर एंड मीट आर्किगोनियम, मैंने आपको बताया था कि ये मॉइस्ट प्लेसेस पर होते हैं, परंतु मेल गैमेट हैं वो पानी के अंदर रिलीज होते हैं, या इनका जो गैमेट ट्रांसफर है वो वाटर के थ्रू होता है, और आर्किगोनियम का मतलब है ये फीमेल पार्ट तक वो पहुंचते हैं वाटर करंट के थ्रू। एन एंथ्रोजॉइड फ्यूजेज विद द एग टू फॉर्म जाइगोट, यहाँ से मेल गैमेट रिलीज होकर के एंथ्रोजॉइड है वो रिलीज होकर के और यहाँ फ्यूज हो जाएंगे, ये हैप्लोइड है ये भी हैप्लोइड है, दोनों का फ्यूजन होने पर ये डिप्लोइड स्ट्रक्चर बनेगी जिसको कहते हैं जाइगोट। जाइगोट्स डू नॉट अंडरगो मियोसिस इमीडिएटली, दे प्रोड्यूस ए मल्टी सेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट। तो अभी हमने पढ़ा कि एक गैमेटोफाइट बॉडी है, दूसरी स्पोरोफाइट बॉडी है, या आप देखिए ये गैमेटोफाइट जो गैमेट प्रोड्यूस कर रही है और स्पोरोफाइट है वो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, तो जैसे फ्यूजन होगा इसमें मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से जाइगोट बनेगा, जाइगोट में तुरंत मियोसिस डिवीजन नहीं हो रहा है, वहां पर वो कुछ समय तक जो स्ट्रक्चर डेवलप होती है वो स्ट्रक्चर को यहाँ क्या बोल रहे हैं, स्पोरोफाइट बोल रहे हैं। स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट एंड ड्राइव्स नरिशमेंट फ्रॉम इट, सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लोइड स्पोर्स,
these spores germinate to form gametophyte. तो कहने का मतलब क्या है कि आप यहां देखिए, ये एक आर्किगोनियम है, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल थैलस है, और ये मेल थैलस है जिस पर एंथ्रोजोइड्स बनेंगे एंथ्रीडियम में. एंथ्रीडियम से मेल गेमिट है वो बाई फ्लेजिलेटेड वाटर करंट में रिलीज होकर के और फीमेल आर्किगोनिया तक आ जाएंगे. यहाँ आकर के इनका फ्यूजन होगा और फ्यूजन होकर के, और ये देखिए आप, ये स्पोर गया और यहाँ फ्यूजन होकर के, और इसी स्ट्रक्चर में फीमेल बॉडी के स्ट्रक्चर में यहाँ जाइगोट बनेगा, और जाइगोट है वो इस पर थैलस पर निर्भर कर रहा है क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा है. तो सारी चीजों के लिए इसके अंदर वो जाइगोट है वो डिपेंड करता है. जो स्ट्रक्चर बनेगी उसको स्पोरोफाइट बोल रहे हैं. स्पोरोफाइट है वहां पर मियोसिस डिवीजन होगा, और मियोसिस डिवीजन होकर के हैप्लोइड स्पोर्स बनेंगे. ये हैप्लोइड स्पोर्स हैं वो सूटेबल प्लेस पर जाकर के और ग्रो हो जाएंगे इसी तरीके की गेमिटोफाइटिक स्ट्रक्चर्स में. तो स्पोरोफाइट बनने के बाद में, स्पोरोफाइट में मियोसिस डिवीजन होकर के हैप्लोइड स्पोर्स बनते हैं. स्पोर का मतलब सीड, और वो रिलीज होकर के सूटेबल प्लेस पर जाकर के और ग्रो कर जाएंगे, और इस तरीके की थैलोइड स्ट्रक्चर बनेगी. या तो मेल बनेंगे, मेल थैलस बनेगा, या फीमेल थैलस बनेगा, और ये प्रोसेस है वो कंटिन्यूस चलती है. हमने शुरुआत में पढ़ा था कि प्लांट में, प्लांट किंगडम में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है. तो इसको आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में समझ सकते हैं, ये फीमेल थैलस है, ये मेल थैलस है, ये फ्री लिविंग होते हैं, मतलब वाटर एब्जॉर्प्शन करना, फोटोसिंथेसिस करना, सब कुछ ये अपने आप में स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करते हैं. और ये जो फेज होती है गेमिटोफाइटिक फेज है या हैप्लोइड फेज है, जब इनका फ्यूजन हो जाएगा आर्किगोनिया में जाइगोट बनेगा, तो जाइगोट है वो डिपेंड कर रहा है किस पर, गेमिटोफाइट पर. यहीं से नरिशमेंट ले रहा है, यहीं से वाटर ले रहा है, तो टोटली डिपेंडेंट है गेमिटोफाइट पर. और वो जाइगोट है डिप्लोइड, तो जाइगोट है उसको हम क्या बोल रहे हैं, स्पोरोफाइट बोल रहे हैं, डिप्लोइड बोल रहे हैं, और गेमिटोफाइट है वो हैप्लोइड है. तो इनमें क्या हो रहा है, देखो ये हैप्लोइड से बना, डिप्लोइडोसिस डिवीजन होकर के हैप्लोइड गेमिटोफाइट बना रहे. तो इनमें क्या हो रहा है, अल्टरेशन हो रहा है. पहले गेमिटोफाइटिक फेज है, फिर स्पोरोफाइटिक फेज है, फिर गेमिटोफाइटिक फेज है, फिर स्पोरोफाइटिक फेज है, मतलब हैप्लोइड और डिप्लोइड फेजेज हैं वो अल्टरनेटली आती हैं. इसको हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. इसके बाद में आप आइए इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स हमारे जीवन में, उसके क्या उपयोग है. सम मॉसेज प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेसियस मैमल्स बर्ड्स एटसेट्रा, ये भोजन के रूप में काम आते हैं. बहुत सारे जानवर हैं वो इनको घास फूस के रूप में खाने में काम लेते हैं. सेकेंड है स्पीसीज ऑफ स्पेगनम ए मॉस प्रोवाइड्स पीट, इट इज यूज एज फ्यूल, इट हैज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सो दैट यूज एज पैकिंग मेटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मेटेरियल. तो कहने का मतलब ये घास फूस खाने वाले जानवरों का भोजन बनते हैं, पक्षियों का भोजन बनते हैं, और साथ में ही स्पेगनम है वो पीट के रूप में काम आता है, और ये पैकेजिंग के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए ये काम आता है. इसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है, दे आर इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ देयर रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स सॉइल मॉसेज अलोंग विद लाइकेंस डीकम्पोज रॉक्स मेकिंग द सबस्ट्रेट सूटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स. यहां सक्सेशन का मतलब है कि सबसे पहले मान लीजिए कोई बेयर रॉक है, चट्टान है या जमीन है जहां पर पहले कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म थे ही नहीं, तो सबसे पहले लाइकेंस आएंगे. लाइकेंस के साथ में ही ये ब्रायोफाइट्स भी आ जाते हैं, और वो चट्टानों को पिघलाने में, तोड़ने फोड़ने में, और नए कॉलोनी डेवलप करने में ये हेल्प करते हैं. चौथा इंपॉर्टेंस है, सिंस मॉसेज फ्रॉम डेंस मैट्स ऑन द सॉइल दे कैन प्रिवेंट सॉइल इरोजन. और बहुत इंपॉर्टेंट है, सतह पर ये उगते हैं तो सॉइल इरोजन को रोकने में भी इनका बहुत बड़ा रोल है. आप यहाँ देख पा रहे हैं प्राइमरी सक्सेशन, मतलब पेड़ पौधे या जंगल, शुरुआत कहाँ से होती है ये, यहाँ इनका रोल है
इसके बाद में डेंस मैट ऑफ मॉसेज ऑन सॉइल, जो सॉइल इरोजन को रोकने में भी मदद करते हैं। टाइप्स ऑफ ब्रायोफाइट्स, लिवर वॉर्ट्स एंड मॉसेज। लिवर वॉर्ट्स का मतलब है लिवर के जैसी शेप में ये होते हैं, तो लिवर वॉर्ट्स हैं, और मॉसेज यहाँ आप ये देख पाएंगे। तो दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम करेंगे लिवर वॉर्ट्स, इनकी शेप है वो कैसी होती है, लिवर जैसी होती है और ये सबस्ट्रेटम के साथ में चिपके हुए रहते हैं। दे ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट सैडी हैबिटेट सच एज बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स, मार्सी ग्राउंड, डैम्प सॉइल, बार्क ऑफ ट्रीज एंड डीप इन द वुड्स। तो चट्टानों पर ये उगते हैं, वो सबस्ट्रेटम के साथ में अटैच होते हैं और मॉइस्ट नमी वाली जगह पर उगते हैं। आप जो पानी भरा हुआ है उसके बैंक किनारों पर भी ये पाए जाते हैं। देयर प्लांट बॉडी इज थैलोइड, एग्जाम्पल मार्केंसिया। थैलोइड का मतलब, बच्चों याद रखिए, थैलोइड बॉडी का मतलब है अनडिफ्रेंशिएटेड बॉडी, उनमें रूट, स्टेम और लीफ है वो नहीं बनती है, उनकी जैसी संरचनाएं बन शुरू हो गई है परंतु बॉडी अभी भी अनडिफ्रेंशिएट है। थैलस इज डॉर्सी वेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेटम। डॉर्सी वेंट्रल का मतलब ऊपर और नीचे से चपटे होते हैं और चिपके हुए रहते हैं सबस्ट्रेटम के साथ में। आप यहां देख पा रहे हैं ये चिपके हुए, सबस्ट्रेटम का मतलब है जमीन के साथ में या जहां उगते हैं उसके साथ में चिपके हुए। द लीफी मेंबर्स हैव टाइनी लीप लाइक अपेंडेजेस इन टू रोज ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स। कुछ लीफी मेंबर्स भी बन गए हैं तो वहां पर लीप लाइक अपेंडेजेस उनमें पाए जाते हैं और लीप है वो जुड़ी रहती है स्टेम लाइक स्ट्रक्चर में। बच्चों यहाँ यूज कर रहे हैं लाइक, लीप लाइक एंड स्टेम लाइक, इसका मतलब है कि ट्रू लीप और ट्रू स्टेम है उनमें नहीं बने हैं। ये देखिए बड़े अच्छे से आपको डायग्राम इमेज देख पा रहे हैं। ये थैलस है, गैमा कप मैंने आपको बताया कि कुछ बर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो एसेक्सुअली बनती हैं और वो जिम्यूल है, उनसे वो डिटैच होकर के, और ये जिस तरीके से ब्रायोफिलम होता है बच्चों पत्थर चट्टा में बड बनती है उनको गैमा कप ही बोलते हैं, तो ये जिम्यूल के द्वारा वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। लिवर वर्ट्स में रिप्रोडक्शन है वो कैसे, कौन कौन से तरीके से होता है। सबसे पहला टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलस, थैलाई, प्लूरल में थैलाई बोलते हैं, और बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमी, सिंगुलर में गैमा बोलेंगे, ये गैमा कप बन रहे हैं इनके द्वारा, या ये टूट फूट हो जाएगी तो भी नया प्लांट बना लेते हैं। गैमी आर ग्रीन, गैमी आर ग्रीन मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स दैट डेवलप इन स्मॉल सेप्टेकल्स, गैमा कप्स, गैमा कप के अंदर गैमी बनते हैं ऑन द थैलाई। द गैमी आर डिटेच्ड फ्रॉम द पेरेंटल, फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल, यहां से अलग होकर के नए प्लांट वो बना लेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस ऑन द सेम और डिफरेंट थैलाई, जिनमें आर्किगोनिया और एंथ्रीडिया एक ही उस पे थैलस पे लगे हो तो उनको हम बोलते हैं होमोथैलिक। मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग थैलस पर डेवलप होते हैं तो उनको हम कहते हैं हिटरोथैलिक। तो यहाँ पर आप देखिए स्पोरोफाइट इज डिफ्रेंशिएटेड इन टू ए फुट सीटा एंड कैप्सूल। यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं स्पोरोफाइट जो बनेगा वो फुट सीटा और कैप्सूल में ग्रो करता है। दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, ये स्पोर है वो जर्मिनेट होकर के और इसके जैसे फ्री लिविंग गैमेटोफाइट बनाएंगे। इसके बाद में सेकेंड टाइप है ब्रायोफाइट की मॉसेज, ये आप यहाँ पर मॉसेज देख पा रहे हैं। द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ ए मॉस इज द गैमेटोफाइट, इनकी जो डोमिनेंट फेज है वो कौन है, गैमेटोफाइटिक फेज है। इट कंसिस्ट ऑफ टू स्टेजेस, मॉसेज में दो स्टेज पाई जाती है लाइफ साइकिल में, फर्स्ट स्टेज प्रोटोनिमा स्टेज एंड सेकेंड स्टेज लीफी स्टेज। प्रोटोनिमा है वो जमीन से चिपके हुए, और जिस तरीके से हमने ब्रायोफाइट में इससे पहले वाले में लिवर वॉर्ट में देखे उस तरीके की स्ट्रक्चर पाई जाती है तो उसको हम बोलते हैं प्रोटोनिमा, और
उसके बाद में सेकेंड स्टेज में ये क्या है, लीप लाइक स्ट्रक्चर इनमें डेवलप हो जाती है, कैप्सूल डेवलप हो जाता है, तो उसको लीपी स्टेज बोलते हैं। प्रोटोनिमा स्टेज देखिए, प्रोटोनिमा स्टेज में इट डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम ए स्पोर, इट इज ए क्रीपिंग, क्रीपिंग का मतलब जमीन पर रेंगने वाला, जमीन पर ग्रो होने वाला, क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज, ये स्ट्रक्चर है। इसके बाद में दूसरी स्टेज है लीपी स्टेज, इट डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनिमा एज ए लेटरल बड, दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट सिलेंडर एक्सिस बियरिंग स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स, दे आर अटैच्ड टू सोइल थ्रू मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच्ड राइजोइड्स, दिस स्टेज बियर्स द सेक्स ऑर्गन्स। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं ये प्रोटोनिमा स्टेज है, और इसके बाद में सेकेंडरी स्टेज में यहाँ लीपी स्टेज बनेगी, लीप लाइक स्ट्रक्चर बनेगी, उसको हम बोल रहे हैं लीपी स्टेज, जो सेक्स ऑर्गन्स रखती है और वहां पर गेमिट प्रोड्यूस होकर के और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो देखिए रिप्रोडक्शन इन मोसेज में कैसे होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाई फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनिमा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया आर प्रोड्यूस एट द अपेक्स ऑफ लीपी सूट, या आर्किगोनिया और एंथ्रीडिया है वो इस पर लीपी स्टेज में बनते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप्स टू ए स्पोरोफाइट हैविंग ए फुट सीटा एंड कैप्सूल, जो स्पोरोफाइटिक फेज है उसमें तीन पार्ट मिलेंगे स्पोरोफाइट में, फुट सीटा एंड कैप्सूल। द स्पोरोफाइट इन मोसेज इज मोर इलाबोरेट देन दैट इन लिवरवर्ट, लिवरवर्ट में तो स्पोरोफाइट है वो टोटली गैमेटोफाइट पर निर्भर कर रहा था, यहाँ पर वो ज़्यादा समय तक सर्वाइव करता है और अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर पा रहा है। द कैप्सूल कंटेन्स स्पोर्स, स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस, जो कैप्सूल पार्ट है यहाँ आप देख पा रहे हैं कैप्सूल है, या इसको कह सकते हैं कैप्सूल पार्ट है, उसमें मियोसिस डिवीजन होकर के स्पोर बनेंगे और वो स्पोर है वो रिलीज होकर के और वापस इस तरीके की गैमेटोफाइटिक फेज बना देते हैं। मोसेज हैव एन इलाबोरेट मैकेनिज्म ऑफ डिस्पर्सल, मतलब इनमें ज्यादा एडवांस मैकेनिज्म है कि वो स्पोर्स को डिस्पर्स कर पाए, फैला पाए। एग्जाम्पल्स फॉर मोसेज कौन कौन से एग्जाम्पल है, आप यहाँ ये देख पा रहे हैं ये गैमेटोफाइटिक फेज और स्पोरोफाइटिक, ये गैमेटोफाइटिक फेज है ये स्पोरोफाइटिक फेज है, परंतु स्पोरोफाइटिक फेज अभी भी किस पर निर्भर कर रही है, गैमेटोफाइटिक फेज पे, राइजोइड है, मेनेक्सिस, लीव्स, सीटा, कैप्सूल, ये एक्चुअल इमेज है। इसके बाद में ये भी मोसेज है, एंथ्रीडियल ब्रांचेज, ब्रांचेज आर्किगोनियल ब्रांचेज, एंथ्रीडियल का मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इसमें मिलेंगे, आर्किगोनियल ब्रांचेज का मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मिलेंगे। ये स्पेग्नम एक्चुअल इमेज है, पॉलीट्राइकम, ये देखिए इस तरीके के मोसेज है वो पाए जाते हैं। इस तरीके से हमने ब्रायोफाइट डिवीजन है वो कंप्लीट कर लिया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करें, थैंक यू वेरी मच।